हिंदुस्तान में फेस्टिवल का बड़ा महत्व है, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें रंगों का कोई महत्व नहीं है, बाकी हर चीज़ का महत्व है। दारू का महत्व है, डीजे का महत्व है, भांग का महत्व है, कपड़े फाड़ने का महत्व है, लेकिन रंगों का कोई महत्व नहीं है। तो भले ही लोग अलग अलग तरह से होली खेलते हैं, लेकिन पहले की और अब की होली में बहुत अंतर आ गया है। पहले के लोग बड़े अलग ही तरह से होली खेलते, बड़े सेंसिल लोग हुआ करते थे। वो लोग क्या करते कि पहले रंग से होली खेला करते सुबह ही सुबह, फिर जब रंग खत्म हो जाता तो फिर गोबर से होली खेला करते। जब सारी गाय भैंसों का गांव मोहल्ले में सब जगह गोबर खत्म हो जाता तो वो कीचड़ से होली खेला करते। तो कीचड़ खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो शाम तक की होली उनकी पक्की हो जाती। लेकिन आजकल होली के मायने बदल गए। होली का नाम सुनते ही आजकल के लड़कों को तो एक महीने पहले से ही कबीर सिंह याद आ जाता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना शुरू कर देते हैं जिससे उनके चेहरे पर रंग ना लग जाए। ऐसा लगता है होली नहीं आ रही हो, सीधे इन्हीं पे अटैक करने आ रही है। एक तो वैसे ही बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी होती है इन्होंने, अगर इनके पास कोई रंग लगाने भी आता है तो पहले से ही दूर से मना कर देते हैं कि भाई चेहरे पे मत लगी हो। अगर चेहरे पे जगह हो तभी तो कोई लगा है, पहले से ही कबीर सिंह बना घूम रहा है तू, लगाएंगे कहाँ पर। उसके बाद बचती है पीठ। पीठ पे कोई रंग लगाने जाता तो कहते भाई पीठ पे मत लगी हो, खारिश हो जाएगी। फिर बचता भी है सिर। सिर पे कोई लगाना चाहे तो सिर की भी कि भाई बाला बन जाऊंगा मैं, सिर पे मत लगाना। तो लगाए कहाँ बंदा, मतलब इतना हीट करने लगे रंगों से। फिर बंदे को ना गुस्सा आती है, वो सोचने लगता है मैं इसके ऊपर रंग डालने आया था तो कैरनों का वायरस छोड़ने आया था, इतनी मतलब। तो वो फिर ना ऐसे पकड़ता है और उसके अंडरवियर में रंग डाल के भाग जाता है। फिर वो दो चार दिन तक हाथ नहीं आता। तो कई तरह की होली होती है। कुछ लोग होली में बच्चों पे एटीट्यूड दिखाते हैं अपना, बच्चों को वो जैसी आदत देखेंगे ना वैसे दूर से रोक लेंगे। रुक क्या है, दिखा हाथ में पहले, इधर आ, इधर इधर दिखा क्या है, बुला ले, रंग है दिखा, बुला लेना, चल आ जा, आ जा, आ जा, चल लगा, देख यहाँ लगा, थोड़ा यहाँ लगा, चल जा। बच्चा ना फिर ऐसे घूरते हुए जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब वो रंग लगाने आया था या ट्यूशन का काम दिखाने आया था, होमवर्क दिखाने आया था। तो ऐसी तो होली हो गई है, लेकिन होली के अपने अलग अलग मायने हैं। हिंदुस्तान में कई तरह की होली खेली जाती है। भोजपुरी सिनेमा की होली, इन्हें होली खेलने से कोई मतलब नहीं होता, इनका मेन मकसद चोली फाड़ने से होता है। जितनी हिंदुस्तान में चोलियाँ सिली नहीं जाती उतनी ही अपने गानों में फाड़ देते हैं। तो इनकी अलग ही होली होती है। तो एक होली होती है कपड़े फाड़ने वालों की। तो ये ना रात को ही अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं ये। तो सुबह उठते हैं, सरसों का तेल लेते हैं, अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं। इनका मानना होता है कि अब रंग नहीं चढ़ेगा इनके ऊपर, तो उसके ऊपर से ये सफ़ेद कलर लगा लेते हैं चेहरे पे, सफ़ेदा। जब ये मोहल्ले के बाहर कदम रखते हैं ना, घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं मोहल्ले में कदम रखते हैं, लोग इन्हें देख के डर जाते हैं कि एलियन कहाँ से आ गया। इनका मकसद होली होली खेलना नहीं होता, इनका मतलब ही होता है कपड़े फाड़ना। अच्छा, ये लोगों को ऑफर देते हैं, बुजुर्गों को बुलाते हैं अपने पास और उनकी पॉकेट फाड़ते हैं, केवल पॉकेट। हाँ, बड़े सब होते हैं तो केवल उनकी पॉकेट फाड़ते हैं और बच्चों के ये पैंट फाड़ देते हैं। अगर इनसे कोई कपड़े नहीं फड़वा रहा और भाग जाए तो पता नहीं है उनकी कहाँ कहाँ से फाड़ते हैं पैंट। ये डिजाइनर लोग होते हैं। अगर इनसे कोई प्यार से कपड़े फटवाता है तो ये कमीज से जो है ब्लाउज, पैंट से हाफ पैंट और टी शर्ट से हाफ टी शर्ट बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये डिजाइनर लोग होते हैं। जब ये अपने घर पर पहुंचते हैं ना तो इनके कुत्ते भी इन्हें पहचानने से मना कर देते हैं। चल तू नहीं हमारा मालिक, निकल यहाँ से, चल आ गया कहाँ से, निकल। तो इनकी अपनी होली होती है। तो अब बात कर लेते हैं शराब की। तो होली वाले दिन
हिंदुस्तान में सारे ठेके बंद रहते हैं, फिर भी लोगों की जेब में बोतल क्वार्टर अद्धे पड़े रहते हैं, एक दिन पहले से ही पीना शुरू कर देते हैं। इनके लिए होली का मतलब ही होता है शराब। हिंदुस्तान के माँ बाप जो है गार्जियंस अपने माँ बेटे की तमाम जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे कि वो होली वाले दिन शराब नहीं पिएगा। मेरे घर पर जब मेरी शादी वाले आए थे तो उन्होंने पूछा आपका लड़का शराब तो नहीं पीता है, तो घर वालों ने कहा होली का दिन छोड़ के बाकी किसी दिन नहीं पीता है, मतलब होली पे पीता है। तो आप बात कर लेते हैं डांस की, तो होली पर डीजे पर डांस की विभिन्न क्वालिटी देखने को मिलती है। जो कभी नहीं नाचता वो भी नृत्य की बनके ठुमके लगा रहा होता है। शराब और भांग के नशे में लोग ऐसा ऐसा नाचते हैं कि कब मर्दाना नाचते नाचते जनानी में चले जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। और कमर तो ऐसे ऐसे चलाते हैं कि कमर भी शर्मा के पानी पानी हो जाती है, और फिर आकर उन पर कोई रंग डाल जाता है और कहता है बुरा ना मानो होली है। यहाँ अलग ही तरह के डांस होते हैं, मतलब एक पैक पिया तो ऋतिक रोशन वाला डांस, एक पल का जीना फिर तो है जाना, दो पैक पिया तो गोविंदा वाला डांस, तूने जो लिया मेरा चुम्मा तो बिटिया में आग लग गई, तीन पैक पिए तो अमिताभ वाला डांस, अरे होली खेले रघुबीरा, चार पैक तो फिर अपना देसी डांस नागिन वाला डांस, मतलब जमीन पर लोट लोट के, इसी से कोई मतलब ही नहीं। और चार पैक से ज्यादा या भांग भी ले ली साथ में तो फिर मैजिकल डांस, मतलब अजब गजब डांस। इन लोगों को पता नहीं होता कब कौन सा डांस करते हैं, ऋतिक रोशन करते करते गोविंदा में एंट्री कर लेते हैं, गोविंदा करते करते अमिताभ बच्चन में चले जाते हैं, अमिताभ बच्चन करते करते नागिन डांस करने लगते हैं। और ऐसा वैसा नागिन डांस नहीं करते, ये फ्रीज होकर करते हैं, ऐसे ऐसे फन लेके छप जाते, बड़ी नहीं रहे अमिताभ बच्चन कर रहे तो ऐसे करके छपे हुए हैं, गोविंदा कर रहे हैं तो इस तरह से फ्रीज हुए पड़े, समझ ही नहीं आता कौन कौन सा डांस कर रहे हैं। और डांस करते करते इनको नशा इतना हो जाता है कि ये स्लीप मोड में चले जाते हैं, फिर ऋतिक रोशन आता है कोई और इन्हें साइड में करके फिर से अपना एक पल का जीना शुरू कर देता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं कहूँगा मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और अगर कोई वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, ऐसी वीडियो आती रहेंगी और बढ़िया एकदम चलता रहेगा सारा कुछ। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, मज़े लो वीडियो के। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।